नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। यूपी सरकार प्रदेश अपराध में लगाम कसने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया, जो लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। यूपी सरकार प्रदेश में अपराध पर लगाम कसने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। सीएम योगी के नेतृत्व में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में एंटी माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो लगातार कार्रवाई करने पर जुटे हैं। इस कार्रवाई में जनपदीय पुलिस के साथ साथ अभियोजन विधिक शाखा के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें गवाहों का समय से समन जारी करने, उनकी जांच कराकर न्यायालय के सामने उसी तारीख पर प्रस्तुत करना, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना शामिल है, जिसके तहत पुलिस महानिदेशक ने उत्तर प्रदेश के 62 माफियाओं को चिन्हित किया, जिनमें से 12 माफियाओं उनके 29 सहयोगी अपराधियों पर आरोप सिद्ध हो चुका है और 2 अपराधियों को फांसी की सजा दे दी गई है, जबकि अन्य को उम्र कैद और अर्थदंड दिया गया है, जबकि 197 आरोपियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट, 405 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, 16 अपराधियों पर NSA, जबकि 70 अपराधियों को एक जेल से दूसरी जेल भेजा गया है, 282 आरोपियों के विरुद्ध 110 GCRPC की कार्रवाई, 63 के विरुद्ध गैंग पंजीकरण की कार्रवाई, 64 की जमानत निरस्त की गई और 311 की हिस्ट्री शीटर खोलने के साथ साथ 318 शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की कार्रवाई की गई है। तो वहीं प्रदेश में अब तक मुठभेड़ में 9 अपराधियों की मौत हो चुकी है। इन प्रदेश स्तर पर 62 चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्य सहयोगी के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ इनके द्वारा किए गए अपराध से अर्जित की गई 2,524 करोड़ से अधिक संपत्ति का जब्तीकरण व ध्वस्तीकरण या अवैध कब्जे से अवमुक्त कराए जाने की कार्रवाई भी कराई गई है। इस कार्रवाई को आगे भी जारी रखा गया है। इन सभी के अतिरिक्त चिन्हित माफिया अपराधियों के प्रकरणों में तत्काल चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई कराई जा रही है। आपको बता दें कि साल 2022 में चिन्हित माफिया अपराधी मुख्तार अंसारी के 7 प्रकरणों में चार्ज फ्रेमिंग की कार्रवाई कराई गई। कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ हो सके, जिसके तहत मुख्तार अंसारी की करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार यूपी में सुशासन का राज स्थापित कर रही है। जिन भी अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में कानून तोड़ा है, उन्हें हमने चिन्हित करके कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधियों ने काली कमाई से काला साम्राज्य खड़ा किया था। ऐसे माफियाओं की 2,500 करोड़ से ज्यादा संपत्ति की जा चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। माफियाओं का काल, योगी सरकार। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना है। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।